हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर, और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज चर्चा चलने वाली है जनरल साइंस के एपिसोड नंबर 17 की। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर कि एड्स वायरस में क्या होता है। और एड्स वायरस में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एकल बंधी आरएनए होता है। नंबर वन इज़ द राइट आंसर। एचआईवी जो कि एड्स का वायरस है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं, और ये एचआईवी एक तरह का रेट्रोवायरस है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है, जिनमें एक नेचर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाज का। तो ये क्या होगा कि आरएनए की कॉपी डीएनए में बना देते हैं, और उसके बाद डीएनए उसी कॉपी को किसी को इन्फेक्ट करने में यूज़ करता है। तो द प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी सिंपल कि ये रेट्रोवायरस, इसके अंदर होते हैं एंजाइम, ये एंजाइम आरएनए की कॉपी बना देते हैं। और आरएनए की कॉपी बनती कहाँ है? आरएनए की कॉपी बनती है डीएनए में, और उसके बाद ये वायरस किसी को इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्ट का मतलब किसी को संक्रमित कर देता है। आगे बढ़े हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि अ ब्रेथ टेस्ट यूज बाई ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेस। ट्रैफिक पुलिस द्वारा नशे में ड्राइविंग के उपयोग की जांच के लिए एक स्वास्थ्य परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर है नंबर वन, जिसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड में होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि देखें, एक फैक्टर होता है जिसे कहा जाता है BAC। BAC का मतलब होता है ब्लड अल्कोहलिक कॉन्टेंट। ब्लड अल्कोहलिक कंटेंट में इंडिया में जो स्टैंडर्ड है वो 0.03% 0.03% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो ब्रेथ एनालाइजर जो होते हैं उनमें जो रीडिंग होती है वो रीडिंग भी 30 के नीचे ही होनी चाहिए। अगर ब्रेथ एनालाइजर में रीडिंग 30 के ऊपर हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रंकन ड्राइव का केस बनता है। आगे बढ़े हम लोग और आगे बढ़ करके ये देख लेते हैं यहाँ पर एक जो की पॉइंट्स हैं आपके सामने दिए हुए कि इंडिया में लीगल ब्लड अल्कोहल जो बोलते हैं कंटेंट, जिसे मैंने कहा BAC ब्लड अल्कोहल कंटेंट, ये 0.03% होता है या 30 μI अल्कोहल इन 100 ml ऑफ ब्लड। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये एक तरह का आर्टिकल है जिस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे WHO के सोर्स से निकाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि एंग्लो न्यूबियन इज अ ब्रीड ऑफ। एंग्लो न्यूबियन किसकी एक नस्ल है, और ये एक्चुअली बकरी की एक नस्ल है। नंबर टू इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट तरह की ब्रीड्स हैं गोट्स की, जिसमें से एक एंग्लो न्यूबियन है जो आप देख सकते हो भारत में। उसके अलावा एल्पाइन के अलावा सैनिन, गोल्डन गर्सनी, और इसके अलावा टॉगनबर्ग, पिग्मी, ये सब जो अलग अलग तरह की बकरियां हैं, ये इनकी नस्लें हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं। एंग्लो न्यूबियन जो नस्लें हैं ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज़ ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग। जिप्सम के साथ किस मिट्टी का उपचार फसल उगाने के लिए करते हैं? तो इसका याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है एल्कलाइन सॉइल, यानी नंबर वन इज़ द राइट आंसर। एल्कलाइन सॉइल में जिप्सम मिला करके उसे ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने के बाद ये पूरी तरह से कृषि योग्य ज़मीन हो जाती है, याद रखेंगे ये। दूसरा ये भी बता दूं आपको, एल्कलाइन सॉइल जो है वो क्षारीय क्यों हो जाती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब जब जैसे पंजाब और हरियाणा का रीज़न है, पंजाब और हरियाणा के रीज़न में बहुत ज़्यादा पानी, नहरों का पानी लगाने की वजह से वहाँ की मिट्टी में कैपिलरी एक्शन होता है, पानी नीचे जाता है और नीचे से जो भी कैल्शियम जैसे पदार्थ होते हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने की वजह से उन सभी पदार्थों में जो सफ़ेद कलर की परत है, वो सफ़ेद कलर की परत उन पदार्थों में होती है और वो जा करके जम जाती है मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी आपको वाइट कलर की दिखती है। उसको ट्रीट करने के लिए जिप्सम मिलाते हैं, और जिप्सम के साथ जब उपचार किया जाता है तो फसल उगाने लायक वो हो जाती है मिट्टी। आगे बढ़े हम लोग और बढ़ करके डिस्कस करते हैं कि टाइफॉइड फीवर किसके कारण होता है, और इसका सही आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफॉइड फीवर,
और इसके लिए एक ट्रिक भी है जो हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आप उसे देखेंगे तो जादुई ट्रिक के नाम से वो मौजूद है, एपिसोड नंबर 3, उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया से होने वाले डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोग कौन कौन से हैं, तो आपको ये पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि टाइफॉइड जो फीवर है, टाइफॉइड फीवर, उसकी एक ट्रिक है, मैडी टक से पट्टा नहीं काटेगा। और इससे आप पूरी बीमारियों के नाम जान सकते हो, जैसे गोनोरिया वगैरह जो बीमारी होती है जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, उन बीमारियों को भी आप समझ सकते हो कि बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणुओं की वजह से होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं कि इनमें से कौन सा रक्त समूह एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है। सार्वभौमिक प्राप्त करता का मतलब ये कि कौन यूनिवर्सल रिसीव करता है। इसका सही आंसर है ए बी, नंबर 3। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ब्लड टाइप में जब हम ए बी की बात करते हैं तो ए बी हर किसी से रिसीव कर सकता है, और जब जब हम ओ नेगेटिव की बात करते हैं तो ये हर किसी से वो दे सकता है, यानी ए बी पॉजिटिव हर किसी से ले सकता है, ओ नेगेटिव हर किसी को दे सकता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गया। बाकी आप देख सकते हैं ए प्लस वाला ए और ए बी को दे सकता है, इसी तरह से वो रिसीव कर सकता है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है बैसिलस। आगे चल करके देखें, ये देखें डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज़ हैं, इनके नाम भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें से ये बैक्टीरिया जो है, ये देखिए आप, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, एक रॉड की तरह शेप है इसका, जिसे कहा है यहाँ पर चैन ऑफ बैसिली, इसे कहते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। तो बैसिलस एंथ्रेसिस एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, बाकी इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो रॉड होते हैं उन डिफरेंट डिफरेंट तरह के रॉड का भी अलग नाम है, जैसे फ्लैगेट रॉड्स आप देख सकते हैं, इसमें टाइफाई, सेल्मोनेला टाइफाई इसे कहा जाता है, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट तरह के पूरी तरह से जो गोल होते हैं उन्हें दूसरा ही नाम दिया जाता है, कॉकस, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में पूरी तरह से गोल है। आगे बढ़े हम लोग और डिस्कस करते हैं कि द एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपन्स टू बी, भारत में हाल ही में विलुप्त हो चुका जानवर कौन सा है, और इसका सही आंसर है चीता। चीता विलुप्त हो चुका है, और आप सब मेरे चीते हो, आप सबको रफ्तार के साथ ये प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन करके जल्दी से सिलेक्शन लेना है। हाउएवर, चीता आप जानते हो, ये देख सकते हो, एक तरह की कैट वाली जो प्रजाति होती है, उस कैट वाली प्रजाति का एनिमल है, और ये काफ़ी फास्ट होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी आजकल ये विलुप्त होने के कगार पर है और लगभग विलुप्त हो भी चुका है। ऑल द प्रोगेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर कॉल्ड, वनस्पतिक प्रसार द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त सभी संतानों को क्या कहा जाता है। देखें, जब जब एक ही तरह की सेल से दूसरा कोई प्राणी बनेगा या दूसरी कोई भी चीज़ बनेगी तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोन, तो क्लोन वुड बी द राइट आंसर, याद रखेंगे यहाँ पर, उसे क्लोन कहा जाता है। आगे बढ़ें हम लोग और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि द सब्सटांस विच कंडक्ट्स करेंट इन द सॉलिड स्टेट इज, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में करंट को कंडक्ट कर सकता है, और इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा करता है, ग्रेफाइट क्यों करता है उसके पीछे भी रीज़न जान लेते हैं हम लोग। इसमें आप देख सकते हो कि एक तरफ स्ट्रक्चर है डायमंड का, दूसरी तरफ स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को जब भी आप चर्चा करोगे, ये होता है हेक्सागोनल, जिसे कहते हैं हेक्सागोनल का मतलब होता है षटकोणीय, और ये होता है टेट्राहेड्रल, ये पूरी तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यानी आप देखिए कि कार्बन एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड की चैन बनी हुई है, सहसंयोजी बंध जो बने हैं, उन सहसंयोजी बंधों में कहीं पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सभी के सभी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बंधित हैं, सभी बॉन्ड बना करके हैं। लेकिन वहीं अगर ग्रेफाइट में आप देखो तो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड ज़रूर है, लेकिन 3 बॉन्ड से तो वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है आप देख लो, लेकिन चौथा बॉन्ड जो है वो सही तरीके से नहीं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री है, और जब जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो सिंपल सी बात है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने की अवस्था में विद्युत का प्रवाह सुनिश्चित तौर पर होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं विच सेट ऑफ कंडीशंस रिप्रेजेंट द ईजिएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस, निम्नलिखित में से कौन सा गैस को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका है, और इसका सही आंसर है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जब जब कम तापमान और उच्च दबाव में आप गैस को शुद्ध करने जाओगे, गैस को सबसे अच्छे तरीके से शुद्ध कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू, प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर है एम्पलीट्यूड से संबंधित है। चलिए आगे चल करके देखते हैं कैसे, विजिबल स्पेक्ट्रम की जब भी हम बात करते हैं, आप देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब होता है
कि उसकी प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, जो प्रोपगेशन की लाइन है, उससे वो कितने ऊपर तक चाहता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अभी उस एम्पलीट्यूड में आप देखिए कि जो लेना देना है उसे आप देखो, इतने न्यूटन मीटर, इतने NM, इतने M, इतने नैनोमीटर, इतने नैनोमीटर, ये पूरी रेंज दी हुई है। वॉलेट की रेंज आप देखोगे, वॉलेट की रेंज सबसे कम है और रेड की रेंज सबसे ज़्यादा है, 620 से 780 नैनोमीटर। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि वॉट इज द प्रिंसिपल लॉ दैट एक्सप्लेन्स वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका सही आंसर है पास्कल का नियम। पास्कल के नियम पे काम करता है। चलिए पास्कल के नियम को समझ लेते हैं यहाँ से। पास्कल का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है, ये भी आप देख सकते हो कि एक तरफ से छोटा सा फोर्स लगाओगे तो दूसरी तरफ से बड़ा सा फोर्स जनरेट होगा और पूरी की पूरी गाड़ी उठ जाएगी। आप हाइड्रोलिक जैक देखते होगे, हाइड्रोलिक जैक से जब हम गाड़ियों को उठा देते हैं वो यही तरीका है, जहाँ पर एक तरफ लिक्विड से हम प्रेशर डालते हैं और दूसरी तरफ ये प्रेशर इसे उठा देता है और गाड़ी आप मिनिमम फोर्स लगा करके मैक्सिमम आउटपुट पा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड एट वन सरफेस ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी अदर सरफेस। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। जैसे जैसे आप एरिया को घटाते जाते हो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाते हो वैसे वैसे प्रेशर घटता जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, और इसका सही आंसर है मरकरी। आपको पता है थर्मोमीटर में भी यूज़ किया जाता है मरकरी, और ये रीडिंग लेने के लिए बहुत बढ़िया होता है क्योंकि ये चमकदार होता है, और चमकदार चीज़ों से जो कि कांच में ना चिपकें ऐसी चीज़ों से रीडिंग आप थर्मामीटर में आसानी से पा सकते हो। आगे बढ़े हम लोग। व्हाट इज़ व्यूड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या देखा जाता है, और इसका सही आंसर है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरस की जो संरचना है वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हो। काफ़ी डेप्थ में आपको एनालाइज करना होता है, उसे देखना होता है, तो वो आप बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते। व्हाट अपरेटस इज यूज्ड टू लोकेट अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और सोनार का उपयोग जनरली सभी की सभी सबमरीन्स, पनडुब्बियाँ जिन्हें कहते हैं, शिप जिन्हें जहाज कहते हैं, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि साउंड जो होता है वो किसी माध्यम के अंदर स्पेशली पानी के अंदर लाइट से ज़्यादा बढ़िया ट्रेवल करता है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे की हम बात करें, सपोज लाइट की बात करते हैं, गामा रे की या एक्सरे की, वो सभी रेज अगर पानी के अंदर चलेंगी तो अटेंचुएट होंगी, विजिबल लाइट तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप लाइट टॉर्च पानी में डालते हो तो उस टाइम पे वो झिलमिलाता है। हाउएवर सोनार रे में ऐसा नहीं होता, जब भी आप साउंड वेव्स छोड़ोगे तो साउंड वेव्स बिल्कुल झिलमिलाते नहीं हैं और वो एक प्रॉपर स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको पता चल गया। आप देख सकते हो कि एक शिप का पॉइंट है ऊपर की तरफ, इस शिप के पॉइंट से ये नीचे की तरफ छोड़ी जाती हैं सोनार वेव्स, ये जिनको साउंड वेव्स कहते हैं, साउंड वेव्स छोड़ी जाती हैं, और उसके बाद जब वो टकरा करके किसी बेस से वापस रिसीवर पर रिसीव होती हैं तो फ्रिक्वेंसी से आप अंदाज़ा लगाते हो कि इस चीज़ की दूरी कितनी है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सोडियम स्टेरेट इज़ अ सॉल्ट एंड इज़ यूज्ड, सोडियम स्टेरेट एक नमक है जिसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग किया जाता है फर्टिलाइज़र, उर्वरक बनाने के लिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप, सोडियम स्टेरेट उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही सीधे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर अलॉयज इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्प्रिंग्स एंड सस्पेंशन फिलामेंट्स इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजली के उपकरणों में स्प्रिंग्स और सस्पेंशन फिलामेंट्स के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कॉपर मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। अब मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि जर्मन सिल्वर को कौन कौन सी धातुओं को मिला करके बनाया जाता है और उन धातुओं का प्रतिशत कितना होता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई देंगे, मैं वहां पर आपको सही आंसर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि किस मिनरल से रेडियम को निकाला जाता है, और इसका सही आंसर है पिच ब्लेंड।
पिच ब्लेंड से निकाला जाता है रेडियम। और याद रखिएगा कि रेडियम की ओर है लाइमस्टोन से क्या निकाला जाता है, हेमेटाइट से क्या निकाला जाता है, रूटाइल से क्या निकाला जाता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर कि हाइड्रोजन बॉम्ब कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, किसके सिद्धांत पर आधारित होता है। और इसका सही आंसर है कि ये एक तरह का अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न रिएक्शन है। वो भी बता देता हूँ आपको कैसे। अंदर की तरफ पहले जो एक्सप्लोजिव्स हैं जैसे यूरेनियम वो रखा जाता है, और उसके बाहर उसे सराउंड किया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम से। जैसे ही अंदर की तरफ पहले फिजन होता है, फिजन से होता है एक ब्लास्ट। फिजन मतलब पहले वहाँ पर विखंडन की प्रक्रिया होती है, उससे एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट के बाद बाहर की तरफ मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होने लगते हैं और ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से फ्यूज़न रिएक्शन पर बेस्ड है, संलयन प्रतिक्रिया पर। हाउएवर इसी का जस्ट रिवर्स अगर देखें, एटम बॉम्ब जो होता है वो एक तरह का अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन है, अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। हालांकि नुकसान की अगर आप बात करें तो वो हाइड्रोजन बॉम्ब से ज़्यादा होता है बजाय कि एटम बॉम्ब के। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इस तरह से आज का एपिसोड हमारा होता है ख़त्म। सोशल मीडिया पर आप मुझे बिल्कुल कनेक्ट करिए, एजुकेटर नवदीप सिंह पर, NavdeepSingh003 एंड NavdeepSingh003 ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। थैंक यू वेरी मच, और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में।